राजस्थान में चल रहा कांग्रेस का चिंतन शिविर समाप्त हो गया है, लेकिन चिंता नहीं। वैसे तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यह है कि आखिर वो फिर से किस तरह से उभरेगी, और इससे बड़ी चुनौती सोनिया और राहुल गहलोत समेत राजस्थान के तमाम मंत्रियों को दे गए हैं। उदयपुर के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने एक परिवार को एक टिकट का फॉर्मूला क्या दिया। खुद अशोक गहलोत के साथ राजस्थान के तमाम मंत्री चिंता में पड़ गए, क्योंकि प्रदेश में ऐसे कई मंत्री और नेता हैं जिनके परिवार का सदस्य या फिर उनका कोई लाल किसी न किसी पद पर है, और ऐसे में नए फैसले के बाद ये तय है कि परिवार में से किसी एक को ही मौका मिलेगा। अब खुद अशोक गहलोत भी मुश्किल में है, क्योंकि कह ये दिया गया है कि चाहे चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा, या फिर चाहे प्रधान हो या फिर जिला प्रधान का चुनाव, परिवार में सिर्फ एक को ही टिकट मिल सकता है। ऐसे में जिन मंत्रियों के बेटे राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहला नाम अशोक गहलोत का ही आता है, जहां उनके बेटे वैभव गहलोत अब क्या करेंगे। वैभव को 2019 में लोकसभा का टिकट दिया गया लेकिन हार गए। फिलहाल वैभव गहलोत आरसी यानी कि राजस्थान क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष हैं। वहीं देखा जाए अगर 23 में राजस्थान में फिर अशोक गहलोत दावेदारी पेश करते हैं तो फिर वैभव गहलोत का क्या होगा, ये बड़ी बात है। वैसे बड़ी बात जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर भी है। वैसे तो रेप के आरोप में लगातार संकट में गिरे हैं, लेकिन महेश जोशी 2018 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से जयपुर के हवा महल क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, और ऐसे में उनके बेटे भी सक्रिय हैं। अब देखने वाली बात होगी कि महेश जोशी क्या करें। इसी मुश्किल में चिकित्सा मंत्री का पद छोड़कर गुजरात प्रभारी बने रघु शर्मा भी हैं, क्योंकि सागर शर्मा भी अजमेर के केकड़ी में लगातार सक्रिय हैं। रघु शर्मा लोकसभा का उपचुनाव भी जीत चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अपने बेटे को टिकट की मांग कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है। अब बात श्रम मंत्री सुखराम विश्नोई की करते हैं। सुखराम विश्नोई भी संकट में हैं कि आखिर वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके बेटे भूपेंद्र विश्नोई भी सक्रिय हैं। पिता की उम्र के कारण हमेशा विवाद में रहने वाले भूपेंद्र की नज़रें भी अब चुनाव पर टिकी हैं, लेकिन अब सुखराम क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है। वैसे बात चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की भी कर लेते हैं। परसादी लाल मीणा भी इसी संकट में है कि आखिर वो करेंगे क्या, क्योंकि बेटे कमल मीणा को टिकट दिलाने का जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं, और ऐसे में उनके सामने भी संकट है। और इसी संकट के लाइन में खड़े हैं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध, जिनके बीच विवाद लगातार रहा है। और अनिरुद्ध भरतपुर में राजनीति में सक्रिय हैं और खुद को पायलट का समर्थक भी बता चुके हैं। हालांकि भले ही विश्वेंद्र ने पायलट समर्थक का पाला बदल लिया हो, लेकिन उनके बेटे अभी भी पायलट को सपोर्ट करते हैं, और अब उनके सामने भी यही चुनौती है कि आखिर वो क्या करेंगे। अब आप खुद सोचिए मंत्रियों के बेटियों का क्या होगा, यही तो गहलोत के मंत्रियों की सबसे बड़ी चिंता है, और यही चिंता अशोक गहलोत की भी है। भले ही शिविर कांग्रेस की चिंताओं को दूर करने को था, लेकिन सोनिया और राहुल ने जाते जाते राजस्थान के हर एक मंत्री की चिंता बढ़ा दी है कि आखिर अब 23 में होने क्या वाला है।